ये है अपना ब्लूटूथ V6। पहले हमें स्पीकर निकालने होते हैं, स्पीकर निकालने के बाद इसके ऊपर हेलो दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो सब दोस्त अपने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस कर लेना बेल आइकन को, नई नई आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एक चीज और कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस हेलमेट पे ब्लूटूथ लगा के, तो ब्लूटूथ किस तरीके से लगाया जाता है, क्या फिटिंग करी जाती है, किस तरीके से फिटिंग होती है, तो आपको सारी चीजें दिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो में लास्ट तक देखना, एंड तक बने रहना, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, तो आपके लिए ये दिखाएंगे आपको किस तरीके से आपका ब्लूटूथ लगाया जाएगा हेलमेट के अंदर। तो पहले करना है हेलमेट की पैडिंग को रिमूव। तो हेलमेट की पैडिंग को रिमूव करने के लिए 3 बटन दिए जाते हैं जिसमें आपका पैडिंग लगाने का कनेक्टिविटी रहता है। ये दोनों तरफ से चिक की पैडिंग को निकाल लेना है। किसी भी हेलमेट की पैडिंग निकालते हैं इसी तरीके से निकलती है क्योंकि अंदर लॉकिंग सिस्टम होती है। तो ये निकाल लिया मैंने दोनों पैडिंग इसकी। तो दोनों पैडिंग निकालने के बाद आपको ब्लूटूथ लेना होता है। ये है अपना ब्लूटूथ V6। पहले हमें स्पीकर निकालने होते हैं, स्पीकर निकालने के बाद इसके ऊपर वेलक्रो लेयर होती है। सपोज दैट अगर आप V6 लेके गए हुए हो तो आपको बताना चाहूंगा इस पे होती है वेलक्रो लेयर। तो वेलक्रो लेयर को लगाना होता है इस वाले स्पेस पे। दिखाओ ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्पेस दे रखा है, ये वेलक्रो लेयर के लिए स्पेस दे रखा है। ये हमने वेलक्रो लेयर को इस तरीके से हटा लेना है। दोस्तों वेलक्रो लेयर लगाने के बाद हमारा दूसरा सेकंड स्टेप होता है ये वाले क्लैंप किट को लगाना। तो क्लैंप किट लगाने के लिए हमारे पास ब्लूटूथ के अंदर मिलती है इस टाइप की एक टाइट करने के लिए एलंकी। तो एलंकी से आपको इसलिए इस तरीके से इसको लूज कर लेना, हल्का हल्का लूज हो जाएगा। पूरा खोल के लगाना चाहते हो तो पूरा खोल के भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरा खोल के लगाने से बेस्ट है कि हल्का हल्का लूज करके लगा ले। ये हो गया हल्का सा लूज। जो स्पीकर आएगा वो लेफ्ट साइड आएगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, और जो ये वाला स्पीकर है ये राइट साइड आएगा। तो हमें लगाना है स्पीकर, तीसरा स्टेप ये है। तीसरे स्टेप में हमें स्पीकर लगाना होता है इस तरीके से। ये हमने जहां पे वेलक्रो लेयर लगाया था उसी तरीके से इसी पे आपका स्पीकर के ऊपर भी एक लेयर होती है चिपकाने वाली, तो इस तरीके से ये लग जाता है। इसका जो माइक का सिस्टम है वो माइक का सिस्टम इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं इसमें। ये आ गया आपका फ्रंट पे माइक सिस्टम। सेकंड आपने यहाँ पे लगाना है। अब ये लग गया आपका वायर। ये अब आप सोच रहे होंगे ये वायर कहाँ पे जाएगा, तो ये वायर जाएगा आपका बैक साइड की पैडिंग पे। ये जो पीछे की साइड से पैडिंग दे रखा है इसमें आपका ये वायर जाएगा, जिससे कि आपका ये वायर दिखाई नहीं देगा ज्यादा। और वायर रखने के बाद इसमें इसको यहां से अटैच कर देना है बटन के साथ। अब रह गया इसका पैडिंग, तो हमने ब्लूटूथ लगा दिया है, लग गया वायर जाएगा जिससे कि आपका ये वायर दिखाई नहीं देगा ज्यादा। और वायर रखने के बाद इसमें इसको यहां से अटैच कर देना है बटन के साथ। अब रह गया इसका पैडिंग, तो हमने ब्लूटूथ लगा दिया है, लगभग 90% डन हो गया है। अब इसका पैडिंग लगाएंगे, आपको दिखाएंगे पैडिंग किस तरीके से लगाना होता है। जैसे रिमूव करा है वैसे लगा के भी दिखाएंगे आपको पैडिंग किस तरीके से फिट होगा। पहला पैडिंग स्टेप ये रहता है, पहले आपको आगे से फिट करना होता है पैडिंग, फिर उसके बाद आपको बैक साइड से फिट करना होता है पैडिंग। तो ये लगा दिया हमने एक साइड का पैडिंग। सकते हैं ये है वायर जो कि पूरी तरीके से फिट हो गया है। ये है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ किस तरीके से फिट करना होता है क्लैंप में वो भी दिखाएंगे। इसके बैक साइड पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये इस तरीके से हल्का सा टच करना है आपको क्लैंप के ऊपर। ये लगा दिया है, हल्का सा पुश करना है, ये लग गया है। और रिमूव करने के लिए इस तरीके से इसे रिमूव कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये लगाने के बाद आपको ये वाली वायर इसके अंदर लगानी होती है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है V6 ब्लूटूथ लगा के। इसी तरीके से आप सारे ब्लूटूथ आराम से लगा सकते हैं अपने घर में। सपोज अगर आप टूरिंग कर रहे हैं और ब्लूटूथ की नीड है तो आप हमारे यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ब्लूटूथ लगाना है तो इसी तरीके से लगाना, बिल्कुल ईजी है ब्लूटूथ लगाना। कोई भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट में आके बता सकते हैं, उसके लिए हम आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे आपको किस तरीके से फिटिंग होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।